भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अपने बल पर, कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने संगठन के तर्क पर हम चुनाव लड़ते हैं। जब से ले लें हरियाणा का, हमारा जो भी भारतीय जनता पार्टी है अपने दम पर चुनाव लड़ी है। 2014 के बाद हम 10 के 10 लोकसभा चुनाव जीते हैं और विधायक भी हमारे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपने माने मनोहरलाल जी काम कर रहे हैं। तो अब क्यों चर्चाएं चल रही, क्या अब संगठन नहीं रहेगा, ये संकेत है? नहीं, संगठन जेजेपी का अपना संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है। जो गठबंधन की बात, गठबंधन सरकार में, गठबंधन माने मनोहरलाल दुष्यंत जी में है उप मुख्यमंत्री में। वर्तमान संगठन भारतीय जनता पार्टी का 90 के 90 विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, 10 के 10 लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भाजपा का संगठन अलग है, जेजेपी का अपना संगठन है, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। क्या दुष्यंत के साथ गठबंधन जो हुआ है उससे कुछ एंटी कन्वेंसी बढ़ी है क्या भारतीय जनता पार्टी? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी माने मनोहर लाल जी, दुष्यंत जी पूरे प्रदेश के विकास को, काम को आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों की गति विकास में बैठ कर काम कर रहे हैं। वर्तमान में मैंने कहा कि संगठन का विषय, संगठन भारतीय जनता पार्टी 90 के 90 विधानसभा पर, 10 के 10 लोकसभा अपनी तैयारी कर रही है। और आने वाले समय के अंदर, जैसे पीछे हमने दोनों टर्म में 10 के 10 जीती हैं और अब भी हम 10 के 10 लोकसभा जीतेंगे और अपनी सरकार विधानसभा में जब भी चुनाव होंगे 1.5 साल बाद फिर सरकार तीसरी बार बनाएंगे। मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा कि गठबंधन को रखना है या तोड़ना है वो संगठन के ऊपर निर्भर करता है। तो आप संगठन के पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो संगठन इस बारे में क्या सोचता है? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 90 के 90 विधानसभा में अपनी तैयारी कर रही है, 10 की 10 लोकसभा में चुनाव तैयारी करें। इससे स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी 90 और 10 लोकसभा सब पे चुनाव लड़ेगी। सब पे चुनाव।